हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है पार्किंग पार्किंग 2023 की एक तमिल फिल्म है जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है फिलहाल मैं तो ये सभी वर्जन कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्किंग जो 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। जिसको OTT पे के और हिंदी में भी डिरेक्शन रामकुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदर जिन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था काफ़ी क्रिस् फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सी सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है प्रथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा ला इलाव हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक एक डिसेंट काइंड ऑफ क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एक्टर के तौर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना छिल्ला कलिए जिसको लिखा हुआ था सी सी ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेहरू गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये वन नल्लावन गाना था उसको सी सी के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था उनस्ट्रूमेंटल वो सीएमसीएस ने कंपोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनना है तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएटरिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थे उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिसेंट कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन किया और ओ टी टी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की भी काफ़ी तारीफ की गई थी जहां पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदूजा रविचंद्रन अपने रोल रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक देव भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि कि इस फिल्म को ऑन ओन पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आती है प्रोडक्शन डिजाइन थी आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे इस फिल्म को आ, बहुत कम लोकेशंस में चेंज किया हुआ था सिमिलर लोकेशंस में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफ़िनेटली पसंद आएगी और ऑल एक सेटिसफाइंग फिल्म साबित होगी आपकी के लिए इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करोगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा कि एक अच्छा कंटेंट देखा हुआ है तो देख पॉजिटिव अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने पे करीबन बत्तीसौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इतनी हाई रेटिंग के साथ इस फिल्म को बाद में ओ पे भी जब प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म के ओ सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सेटेलाइट दोनों राइट्स से खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो को थिएटर सॉरी ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन

तमिल के अलावा तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनेस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफ़ी क्रिस फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ है फिल्म का म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें सेम एम सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज़ किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है परथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा ला इलाव हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के के साथ रिवील की गई थी और एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एक्टर तौर पर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना चिल्ला कलिए जिसको लिखा हुआ था सेम एम सी एस ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेहरू गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये वन नल्लावन गाना था उसको सेम एम सी एस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सेम सी एस ने कम्पोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएट्रिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिसेंट के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस एक अच्छा किया और ओ टी टी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पे वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की काफी तारीफ की गई थी जहां पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल, रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेप भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है प्रोडक्शन डिसेंट आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे इस फिल्म को आ, बहुत कम में चेंज किया हुआ था सिमिलर लोकेशन में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आईटी टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और ऑल एक सेटिसफाइंग फिल्म साबित होगी आपके

ओ टी पे भी जब प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला फिल्म के ओ टी टी है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ टी और सेटेलाइट दोनों राइट्स से खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को 30 दिसंबर 2023 को थिएटर सॉरी ओ टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पे बढ़िया रिस्पांस हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जनस में आप इन्जॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में देख सकते हो, विद विद इसके अलावाइट चैनल स्टार स्टार इस हिंदी वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से पार्किंग जो तमिल दो की फिल्म थी ड्रामा थ्रिलर उसको ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो पार्किंग जो 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको ओटीटी पे तमिल के अलावा तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज़ हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था काफ़ी क्रिस् फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ है फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सी सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है परथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इलावरसू हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एक्टर के तौर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना छिल्ला कलिए जिसको लिखा हुआ था सेम एम सी ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेरो गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था एवन नल्लावन गाना था उसको सेम एम सी के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सेम एस ने कंपोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज़ हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएट्रिकली ये फिल्म रिलीज़ हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाय डे डिस कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन किया और ओ टी टी सेटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी प्राय पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा बता एक अच्छा खासा कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की भी काफ़ी तारीफ की गई थी जहां पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेफ भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑनथी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है प्रोडक्शन डिसेंट डिसेंट आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे इस फिल्म को आ, बहुत कम लोकेशंस में चेंज किया हुआ था सिमिलर लोकेशंस में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और ऑल एक सेटिसफाइंग फिल्म साबित होगी आपकी के लिए इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करोगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा तब इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने एमडी पे करीबन बत्तीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इतनी हाई रेटिंग के साथ इस फिल्म को बाद में ओ पे भी जब प्रीमियर करवाएगा गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म के ओ सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सेटेलाइट दोनों राइट्स खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो को थिएटर सॉरी ओ टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन देख सकते हो इंग्लिश इसके अलावा चैनल स्टार गोल, स्टार गोल या स्टार या अलग अलग चैनल्स के ऊपर इस फिल्म का तमिल हिंदी ये सभी तो थी ड्रामा थ्रिलर उसको ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो पार्किंग जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको तमिल के अलावा तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएटरिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज़ हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफी क्रिस फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम लावआई फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सेम एम सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज़ किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है परथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इलाव हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एस सन सिनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी में सभी चीज़ें सोशल मीडिया फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ की गई थी और एक डिसेंट काइंड ऑफ क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एज एक्टर के तौर पर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइज मिस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना चिल्ला लिए जिसको लिखा हुआ था सी सी एस ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेहरू गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये वन नल्लावन गाना था उसको सीएमसीएस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सीएमसीएस ने कम्पोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएटरकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिसेंट कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा कलेक्शन किया और ओ टी टी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी से बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा बता एक अच्छा खासा कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पे वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की काफी तारीफ की गई थी जहां पे हरिश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेफ भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन अच्छा में शूट किया था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस एक्सट्रेक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आईटी टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपके

ओ पे भी जब प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म के ओ सैटेलाइट राइट्स सेटेलाइट है राइट से, वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सैटेलाइट दोनों राइट्स खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो को थिएटर सॉरी ओ पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन पाँच वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ टी टी वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में देख सकते हो इंग्लिश इसके स्टार गोल, स्टार गोल या फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से पार्किंग जो तमिल दो की फिल्म थी ड्रामा थ्रिलर उसको ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो पार्किंग जो 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको ओटीटी पे तमिल के अलावा तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफ़ी क्रिज फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ है फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सेम एम सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है परथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इलावरसू हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बलून करके जो फिल्म आई थी के एसन सीनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट हुआ था वैसे हरीश कल्याण एक्टर के तौर पर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना चिल्ला कलिए जिसको लिखा हुआ था सेम एम सी एस ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेरो गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये वन नल्लावन गाना था उसको सेम एम सी एस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सेम एम सी एस ने कम्पोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएट्रिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन किया और ओ टी टी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो आ, बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफी ता तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की भी काफ़ी तारीफ़ की गई थी जहाँ पर हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदूजा रविचंद्रन अपने रोल के साथ सपोर्टिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेफ भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन रन टाइम टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आती है प्रोडक्शन डिजाइन डिसेंट थी आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा इस फिल्म को बहुत कम लोकेशंस में चेंज किया हुआ था सिमिलर लोकेशंस में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीज़ें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसेस एक्सट्रेक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए हैं वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और ऑल एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपकी

ओ टी पे भी जब प्रीमियर करवाया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला फिल्म के ओ टी टी सटेलाइट राइड्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पर डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ टी टी और सेटेलाइट दोनों राइट्स खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो हज़ार तेईस को थिएटर सॉरी ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जनस में आप इन्जॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में देख सकते हो, इसके अलावाइट चैनल स्टार स्टार या स्टार जैसी अलग लग लग के इस फिल्म का हिंदी, ये सभी वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से पार्किंग जो तमिल दो की फिल्म थी ड्रामा थ्रिलर उसको ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो पार्किंग जो 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको ओटीटी पे तमिल के अलावा तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज़ हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था काफ़ी क्रिस् फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वाला ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है प्रथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा ला इलाव हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एज एक्टर के तौर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना छेला कलिए जिसको लिखा हुआ था सी सी ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेरो गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये वन नल्लावन गाना था उसको सी सी के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सीएमसीएस ने कंपोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली सुनना है तो Think Music के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएटरिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थे उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिसेंट कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन किया और ओ टी टी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी तारीफ़ की गई थी जहाँ पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इम्पेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेप भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि कि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आती है प्रोडक्शन डिसेंट आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे इस फिल्म को आ, बहुत कम लोकेशंस में चेंज किया हुआ था सिमिलर लोकेशंस में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपकी के लिए इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करोगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा तब इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने आईमडी पे करीबन बत्तीसौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इतनी हाई रेटिंग के साथ इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे भी जब प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सेटेलाइट दोनों राइट्स खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो को थिएटर सॉरी ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन

तमिल के अलावा तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज़ हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफ़ी क्रिस फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम लावआई फिल्म का म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें सेम एम सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है परथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा ला इलाव हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक डिसेंट काइंड ऑफ क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एज एक्टर के तौर पर अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सीएमसी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना चिल्ला कल लिए जिसको लिखा हुआ था सेम एम सी एस ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेहरू गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये वन नल्लावन गाना था उसको सेम सी एस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सीएमसी एस ने कम्पोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएटरिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक, एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिसेंट के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा कलेक्शन किया और ओटीटी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी प्राय मैनपे से बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पे वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की काफी तारीफ की गई थी जहां पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेफ भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के परफॉरमेंसेस एक्सट्रेक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आईटी टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपकी के लिए इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करोगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा तब इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने आईमडी पे करीबन बत्तीसौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इतनी हाई रेटिंग के साथ इस फिल्म को बाद में ओ पे भी जब प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म के ओ सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सैटेलाइट दोनों राइट्स खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो को थिएटर सॉरी ओ टी प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन पांच वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ टी टी वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन देख सकते हो इंग्लिश इसके अलावा चैनल स्टार गोल, स्टार स्टार गोल या जैसी अलग अलग चैनल्स के ऊपर इस फिल्म का तमिल हिंदी ये सभी बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से पार्किंग जो थी, फिल्म थी ड्रामा थ्रिलर उसको कर सकते हो। पार्किंग जो इंडियन तमिल लैंग्वेज एक ड्रामा थ्रिलर ओटीटी पे तमिल के अलावा तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफ़ी क्रिस् फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ है फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सी सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज़ किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है परथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा ला इलावरसू हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक डिसेंट काइंड ऑफ क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एज एक्टर के तौर पर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सी सी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना चिल्ला कलिए जिसको लिखा हुआ था सेम सी एस ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेहरू गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था एवन नल्लावन गाना था उसको सेम सी एस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सेम सी एस ने कम्पोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएटरिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिसेंट कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अच्छा कलेक्शन किया और टी -टी से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा बता एक अच्छा खासा कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की भी काफी तारीफ की गई थी जहां पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल, रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेव भी क्रिएट होती है फिल्म एक, एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है प्रोडक्शन डिसेंट थी आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे इस फिल्म को आ, बहुत कम लोकेशन में चेंज किया हुआ था सिमिलर में इस फिल्म को तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए हैं वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और ऑल एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपकी

ओ टी पे भी जब प्रीमियर करवाया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स से, है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पर डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ टी टी और सेटेलाइट दोनों राइट्स से खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो हज़ार तेईस को थिएटर सॉरी ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जन्स में आप इंजॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में

तमिल के अलावा तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज़ हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफ़ी क्रिज फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ है फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सेम एम सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है प्रथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इलावरसो हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एस सन सिनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक डिसेंट काइंड ऑफ क्रिएट हुआ था वैसे हरीश कल्याण एज एक्टर के तौर पर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना चेला कलिए जिसको लिखा हुआ था सी सी ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेरो गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये वन नल्लावन गाना था उसको सीएमसीएस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सीएमसीएस ने कंपोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएट्रिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिस के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन किया और ओ टी टी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पे वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की भी काफ़ी तारीफ की गई थी जहां पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेप भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आती है प्रोडक्शन डिजाइन डिसेंट थी आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे इस फिल्म को आ, बहुत कम लोकेशंस में चेंज किया हुआ था सिमिलर लोकेशंस में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और ऑल एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपकी के लिए इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करोगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा कि अच्छा तो हो। रिलीज किया, किया हुआ बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने आईमडी पे करीबन बत्तीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इतनी हाई रेटिंग के साथ इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे भी जब प्रीमियर करवाएगा गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सेटेलाइट दोनों राइट्स खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो को थिएटर सॉरी ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए हो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन

तमिल के अलावा तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएटरिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज़ हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफ़ी क्रिस फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम लावआई फिल्म का म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें सेम एम सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है परथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इलाव हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के के साथ रिवील की गई थी और एक एक डिसेंट काइंड ऑफ क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एक्टर तौर धीरे एक धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सेमसीएस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना चिल्ला कलिए जिसको लिखा हुआ था सेम एम सी एस ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेहरू गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये नल्ला वन नल्लावन गाना था उसको सेम सीएमसीएस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सेम सीएमसीएस ने कम्पोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएटरिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिसेंट के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस एक अच्छा किया और ओ टी ओटीटी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पे वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की काफी तारीफ की गई थी जहां पे हरिश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेफ भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नज़र नजर आती है प्रोडक्शन आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे इस फिल्म को आ, बहुत कम में चेंज किया हुआ था सिमिलर में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए हैं वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपके

ओ टी पे भी जब प्रीमियर करवाएगा वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म के ओ टी टी राइड्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सैटेलाइट दोनों राइड्स खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को 30 दिसंबर 2023 को थिएटर सॉरी ओ टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पे बढ़िया रिस्पांस हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जन में आप इन्जॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में

तमिल के अलावा तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था काफ़ी क्रिस् फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम

पारुति का रोल प्ले किया हुआ है प्रथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इलावरसू हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एस एन एस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था जैसे के एस सिनिस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन 2017 में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीज़ें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीज़ें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिविल की गई थी और एक डिसेंट काइंड

अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये नल्ला वन नल्लावन गाना था उसको सेम सीएमसीएस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल कंपोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रेक है जिसको अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएटरिकली ये फिल्म रिलीज़ हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाय डे डिस कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन किया और ओ टी टी सेटेलाइट राइट से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की भी काफी तारीफ की गई थी जहां पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल, रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेप भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑनधी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी हुआ था शूट किया था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपकी

ओ टी पे भी जब प्रीमियर करवाया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स से है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पर डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ टी टी और सेटेलाइट दोनों राइट्स से खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो हज़ार तेईस को थिएटर सॉरी ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा खासा व्यवसफ़ हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जन्स में आप इन्जॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में

तमिल के अलावा तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज़ हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था काफ़ी क्रिज फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ है फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है प्रथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा ला इलाव हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पर इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एक्टर के तौर पर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना चिल्ला कलिए जिसको लिखा हुआ था सेम एम सी ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेहरू गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये वन नल्लावन गाना था उसको सेम सीएमसीएस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सेम सीएमसीएस ने कंपोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएट्रिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिसेंट कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन किया और ओ टी टी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी प्राय से बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी तारीफ की गई थी जहाँ पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदूजा रविचंद्रन अपने रोल रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक देव भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि

परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए हैं वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपकी के लिए इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करोगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा कि रिलीज किया गया तब तरीके से एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने पे करीबन बत्तीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इतनी हाई रेटिंग के साथ इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे भी जब प्रीमियर करवाएगा गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सेटेलाइट दोनों राइट्स से खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो को थिएटर सॉरी ओ पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जन में आप इंजॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल, गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन

तमिल के अलावा तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफ़ी क्रिस फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ है फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सी सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज़ किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है परथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इलावरसू हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फ़िल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी में सभी चीज़ें सोशल मीडिया फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील और एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट हुआ था वैसे हरीश कल्याण एक्टर के तौर एक धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे सी के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना चिल्ला कलिए जिसको लिखा हुआ था सेम एम सी एस ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेहरू गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये वन नल्लावन गाना था उसको सेम एम सी एस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सीएमसी एस ने कम्पोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएट्रिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली uh, ये फिल्म लो बजट में बने थे उसके बावजूद लो uh, एक लो uh, स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिस क्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा कलेक्शन किया और सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी पैसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो आ, बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफी ता तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की भी काफ़ी तारीफ़ की गई थी जहाँ पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल के साथ सपोर्टिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इम्पेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स से जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेफ भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नजर आती है प्रोडक्शन डिजाइन डिसेंट थी आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे से इस फिल्म को आ, बहुत कम लोकेशंस में चेंज किया हुआ था सिमिलर लोकेशंस में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है, है जिस तरह से वो सभी चीज़ें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आईटी टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपके

ओ टी पे भी जब प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला फिल्म के ओ टी राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पर डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सेटेलाइट दोनों राइट्स से खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को 30 दिसंबर 2023 को थिएटर सॉरी ओ पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पे बढ़िया रिस्पांस हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन पाँच वर्जनस में आप इन्जॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच डी चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ टी टी वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में देख सकते हो इंग्लिश इसके अलावा सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एच डी या जैसी अलग के इस फिल्म का तमिल हिंदी ये सभी वर्जन आप बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से पार्किंग जो तमिल दो की फिल्म थी ड्रामा थ्रिलर उसको ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो पार्किंग जो 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको ओटीटी पे तमिल के अलावा तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज़ हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफ़ी क्रिस्प फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम हुआ है फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहां पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है प्रथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इलावरसो हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एक्टर के तौर पर अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना चिल्ला लिए जिसको लिखा हुआ था सेम एम सी ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेरो गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था एवन नल्लावन गाना था उसको सेम एम सी के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सेम एस ने कंपोज़ किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली सुनना है तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएटरिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसन कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक, एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा कलेक्शन किया और ओटीटी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी प्राय मनोपेसे बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की भी काफ़ी तारीफ की गई थी जहां पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल, रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम एस भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेफ भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया नज़र नजर आती है प्रोडक्शन डिसेंट थी आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे इस फिल्म को आ, बहुत कम में चेंज किया हुआ था सिमिलर में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के परफॉर्मेंसिस एक्सट्रैक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और ऑल एक सेटिसफाइंग फिल्म साबित होगी आपकी के लिए इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करोगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा तब इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने एमडी पे करीबन बत्तीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इतनी हाई रेटिंग के साथ इस फिल्म को बाद में ओ पे भी जब प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पांस मिला फिल्म के ओ सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सेटेलाइट दोनों राइट्स खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो को थिएटर सॉरी ओ टी पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफ़ी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जनस में आप इन्जॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन

तमिल के अलावा तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी में भी डब करके अवेलेबल किया हुआ है लेकिन थिएट्रिकली ये फिल्म सिर्फ तमिल वर्जन में ही रिलीज़ हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन राम कुमार बालाकृष्णन ने किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया हुआ है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सुधन सुंदरम के एस सिनीस जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपनी प्रोडक्शन कंपनी पेशन स्टूडियो सोल्जर फैक्ट्रीज तो ये प्रोडक्शन कंपनीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था जहां पे उनके ही द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म का जो रन टाइम था वो करीबन दो घंटे सात मिनट का रन टाइम था तो काफी क्रिज फिल्म बनाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी जीजू सनी ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम लाउवाई फिल्म का म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें सेम एम सी के द्वारा म्यूजिक को कंपोज किया गया था बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों को जहाँ पे चार गाने थे थिंक म्यूजिक वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में हरीश कल्याण देखने को मिलते हैं जो ईश्वर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे एम एस भास्कर ने इलम परुति का रोल प्ले किया हुआ इंदुजा रविचंद्रन को इस फिल्म में आदिका का रोल दिया गया था जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वहीं पे रामा राजेंद्रन ने इस फिल्म में पारुति का रोल प्ले किया हुआ है प्रथना नाथन ने इस फिल्म में अबरना का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इलाव हाउस ओनर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट मेन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को अनाउंस किया गया था तब पता चला था कि एक डायरेक्टर आने वाले डेब्यू करने वाले रामा कुमार बालाकृष्णन जिन्होंने इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे बलून करके जो फिल्म आई थी के एसनीस की उसमें उन्होंने काम किया हुआ था वैसे के एस सीनीस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया हुआ है तो उनके नीचे वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे बलून फिल्म करीबन दो में आई थी और उसके बाद में इस फिल्म के ऊपर आगे काम करना स्टार्ट किया था जहाँ पे इस फिल्म को इंटायरली पूरी तरह से चेन्नई में शूट किया हुआ था जहाँ पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फिल्म का टाइटल भी अनविल किया गया था लीड एक्टर के बारे में बताया गया था ये सभी चीजें जून 2023 तक करवाई गई थी और उसके बाद में सभी चीजें सोशल मीडिया में फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिवील की गई थी और एक डिसेंट काइंड ऑफ बस क्रिएट हुआ था वैसे कल्याण एज एक्टर के तौर पर धीरे धीरे अपना इंपेक्ट छोड़ते जा रहे बढ़िया तरीके से तो इस फिल्म का जो थोड़ा बस था वो उसी वजह से थोड़ा ज्यादा भी था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें सीएमसीएस के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे चार गाने थे जिसके राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने काफी डिसेंट प्राइज मिस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग करे थे पहला गाना चिल्ला कलिए जिसको लिखा हुआ था सेम एम सी एस ने कपिल कपिलान ने गाया हुआ था नेहरू गाने को विष्णु इदावन ने लिखा हुआ था अभिजीत राव ने गाया हुआ था ये नल्ला वन नल्लावन गाना था उसको सेम सीएमसीएस के द्वारा म्यूजिक भी दिया गया था लिखा भी उनके द्वारा था और उन्होंने ही वोकल्स दिए हुए थे पार्किंग का थीम था इंस्ट्रूमेंटल वो सेम सीएमसीएस ने कम्पोज किया हुआ था तो ये टोटल चार ट्रैक है जिसको अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली सुनना है तो थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था तब एक विदाउट बज फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन उसके बावजूद क्रिटिक्स की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसके बाद में जब थिएट्रिकली ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन पहले दो एक दो सौ में इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से भी मिला था इसी के चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में एक पॉजिटिव रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते डिसेंट कलेक्शन करने में कामयाब रही और एक स्लीपर हिट फिल्म साबित हुई थी इवेंचुअली ये फिल्म लो बजट में बने थी उसके बावजूद लो एक लो स्टार्ट लिया था फिल्म ने लेकिन डे बाई डे डिसेंट कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा कलेक्शन किया और ओटीटी सैटेलाइट राइड से भी इस फिल्म ने एक अच्छी खासी प्राय मैं से बनाए हुए थे जब इस फिल्म का एक रिव्यू आउट हुआ उससे लोगों के बीच में इस फिल्म का एक अच्छा खासा आ, बता एक अच्छा खासा आ, कहे तो बस क्रिएट हुआ था पार्किंग फिल्म में जो डोमेस्टिक ड्रामा दिखाया हुआ था उसकी काफ़ी तारीफ की गई थी जिस तरह से एक सिंपल स्टोरी लाइन को थ्रिलर मैनर में दिखाया गया उसमें जो ड्रामा डाला हुआ था जो थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए थे डायरेक्टर के द्वारा वो अच्छी तरह से हमारे सामने हमारे साथ वर्क करते जिस तरह से उस फिल्म में जो ड्रामा के साथ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप की जाती है थ्रिलिंग मोमेंट्स लाने के चलते जहाँ पर वो एक बेस तैयार किया जाता है वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई थी इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और सपोर्टिंग कास्ट की काफ़ी तारीफ की गई थी जहां पे हरीश कल्याण ने बखूबी अपना रोल निभाया हुआ था इंदुजा रविचंद्रन अपने रोल रोल के साथ सपोर्टिंग काफी बढ़िया तरीके से नजर आती है एम भास्कर ने एक इंपेक्टफुल परफॉर्मेंस दी हुई थी ये कुछ एक्टर्स थे जिनकी बदौलत फिल्म में एक डेफ भी क्रिएट होती है फिल्म एक एंगेजिंग भी बनती है और साथ ही में इस फिल्म में जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा गया था वो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ कनेक्ट रखता है एडिटर ने बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म को सिर्फ दो घंटे सात मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ था तो इतने क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क करती हुई नजर आती है क्योंकि कि इस फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था जिसके चलते सभी चीज़ें काफी बढ़िया तरीके से सा, हमारे साथ वर्क करती है और प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी बढ़िया नजर आती है प्रोडक्शन डिसाइन डिजाइन डिसेंट थी आर्ट डायरेक्शन आपको अच्छा नजर आएगा वैसे इस फिल्म को आ, बहुत कम लोकेशंस में चेंज किया हुआ था सिमिलर लोकेशंस में इस फिल्म को पूरी तरह से शूट किया हुआ था जिस तरह से डायरेक्टर ने जो पॉइंट पकड़ा हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग उसमें जिस तरह से इस फिल्म में ड्रामा डाला हुआ था जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट क्रिएट किए हुए थे उनकी काबिल तारीफ है जिस तरह से वो सभी चीजें वर्क करती है वो बढ़िया था उस ड्रामा के साथ जिस तरह से एक्टर्स के पास परफॉर्मेंस एक्सट्रेक्ट करवाई हुई थी वो भी बढ़िया थी ओवरऑल एक अच्छी फिल्म हमारे सामने निकल के आई हुई थी और इस फिल्म में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ था पार्किंग के रिगार्डिंग वो एक अच्छा खासा हमारे साथ वर्क कर जाता है क्योंकि ऐसी सभी चीज़ें पहले इतनी बढ़िया तरीके से हमारे सामने पेश नहीं हुई है जिस तरह से जो ईश्वर नाम का किरदार है एक वो यंग आई टी एम्प्लॉय बताया गया है उनकी नई शादी हुई है उनकी वाइफ पेगने प्रेगनेंट है लेकिन पार्किंग के रिगार्डिंग वो रिसेंटली जो नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उन सभी बीच में जो ड्रामा क्रिएट किया हुआ है उस ड्रामा के बीच में जिस तरह से कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स डाले हुए हैं वो सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और एक सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होगी आपकी के लिए इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करोगे तो आपको एक ऐसा महसूस होगा कि एक अच्छा कंटेंट देखा हुआ है तो इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो पार्किंग फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दिसंबर को रिलीज किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने आई पे करीबन बत्तीस सौ वोट हासिल किए जिसमें आठ पॉइंट पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इतनी हाई रेटिंग के साथ इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे भी जब प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट से राइट्स सेटेलाइट है वो स्टार नेटवर्क के ही पास है जहाँ पे डिज्नी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म के तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन के ओ और सेटेलाइट दोनों राइट्स खरीदे हुए जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार वालों ने इस फिल्म को तीस दिसंबर दो को थिएटर सॉरी ओ पे प्रीमियर करवाया था वहाँ पर बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद इस फिल्म ने काफी एक अच्छा खासा व्यवसेप हासिल किया लोगों के बीच में एक अच्छा खासा पॉजिटिव टॉक देखने को मिला फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन पांच वर्जन्स में आप इंजॉय कर सकते हो वैसे आपका तम, आपको तमिल वर्जन में देखना है इस फिल्म को तो स्टार विजय टेलीविजन चैनल के ऊपर देख सकते हो स्टार गोल और स्टार गोल एच चैनल के ऊपर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन भी बिल्कुल फ्री में आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का ओ वर्जन फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन

ऊपर एक डिटेलिंग दी है फिल्म का रिव्यू भी कर दिया है साथ ही में फिल्म से जुड़े अलग अलग जो एस्पेक्ट है वो भी मैंने हुए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू